से कांग्रेस का नगरीय निकाय को लेकर बड़ा फैसला। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया आदेश जारी, रहवासी ही बनेगा वार्ड का प्रत्याशी। कांग्रेस अब उसी वार्ड की मतदाता को प्रत्याशी बनाएगी जिसमें वो रहवासी होगा। एक बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। अब वार्ड प्रत्याशी का चुनाव वही लड़ेगा जो उस वार्ड का निवासी होगा। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदेश भी जारी कर दिया है, रहवासी ही बनेगा वार्ड का प्रत्याशी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश, अब कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब जो भी प्रत्याशी होगा वो उस वार्ड का निवासी होगा, एक बड़ा जो दांव कांग्रेस खेलने जा रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो दांव अब कांग्रेस खेलने जा रही है कांग्रेस के हित में होगा? जी देखिए, जिस तरह से नगर निगम चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 15 महापौर प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले की है, वहीं अभी बीजेपी में ये मामला अटका हुआ है और दिल्ली तक पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाते जा रही है। आज कमलनाथ ने एक निर्देश जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग जिस वार्ड का रहवासी होगा उसी को पार्षद का टिकट दिया जाएगा और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे एक चीज तो निकलकर सामने आएगी कि जो स्थानीय व्यक्ति होगा वही चुनाव लड़ पाएगा कांग्रेस के टिकट पर। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी, जो टिकट के लिए लगातार घमासान होता था या जो पूर्व पार्षद होते थे वो उनका वार्ड आरक्षित होने के बाद वो दूसरे वार्ड में जाना चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए, वो चीज खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस लगातार मैराथन दौर में लगी हुई है और यही कारण है कि वो अभी अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी से कहीं आगे निकलती हुई नगरीय निकाय चुनाव में दिख रही है। जी जी दिनेश, इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी में अब बड़े नेता अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, महापौर का जो टिकट है वो अपने चहेतों को दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस धड़ाधड़ अब नए कदम भी उठा रही है। सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का नाम सबसे पहले ऐलान कर दिया, उसके बाद ये कदम जो है, तो क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में अब विपक्ष की जो भूमिका है वो मजबूत होती दिख रही है? देखिए, जिस तरह से कमलनाथ चुनावी राजनीति करते हैं, वो चुनाव को लेकर जिस प्रकार रहते हैं, 2018 में ये देखने को मिला था जब 15 साल बाद कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उनका मैनेजमेंट जो है उसका कोई सानी नहीं है ये माना जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार बनाई थी और लगातार वो तैयारी में अपनी जुटे रहते हैं और यही कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह से 15 जो नगर निगम है उनके महापौरों के नामों की घोषणा तुरंत कर दी गई और उसके बाद अब पार्षदों को लेकर स्थानीय नेताओं को प्रतिनिधित्व मिले उसको लेकर उन्होंने ये आदेश जारी किया है और यही कारण है कि कांग्रेस अभी इस दौड़ में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस अब दौड़ में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस का एक बड़ा फैसला सामने आया है, प्रत्याशी वही होगा जो वार्ड का रहवासी होगा।